अगला क्वेश्चन भी है 23 का सेकंड, सॉरी 23 नंबर, 22 के बाद 23 है ना जी, पुट करना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी, बन जाएगा यार ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान के बना देना, सेम तो इसी की तरह है। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं, मैं सीधे यहाँ पर पुट ही करता हूँ, इसको छोड़ो ये तो हो गया, इसे मैं पुट करता हूँ सीधे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को, ठीक है हम लोग यहाँ पर टी पुट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है एक्स के रेस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए क्या होता है, इसका आ जाएगा 2ax बराबर में dt बटा में dx, तो यहां से आ जाएगा x dx बराबर में dt बटा में 2a, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखो x dx बराबर हो जाएगा dt बटा 2a और ऊपर 1 बटा में, इसको हम लोग t माने हैं ना, तो t का पावर c, चलिए 1 बाई 2a और ये ऊपर चला जाएगा तो t का पावर माइनस c dt, क्या रूल होता है, पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे उतारना होता है, 1 बाई 2a c का पावर 1 माइनस c, एक जोड़ दिए और नीचे 1 माइनस c प्लस c, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना इससे। चलिए वापस हम लोग t का वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा आपका 1 बाई 20 माइनस 1 माइनस c, 20 इंटू 1 माइनस c और ऊपर यहाँ t की जगह आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का पावर 1 माइनस c प्लस c, इसका आंसर हो गया, समझ गए। चलिए अब देखिए।